देवरिया शहर के सीसी रोड पर मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के पास स्थित एक मैरिज हॉल में ओम स्टॉल के तत्वाधान में 9 वर्ष के पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अमित किशोर ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की। आयोजित होती है जिसमें बच्चों को प्रतिभा करने का मौका मिलता है। जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप किए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनका मान बढ़ाया जाता है, उनका मान। अभी आपने कार्यक्रम करवाया कि आपने कार्यक्रम हुआ कि निर्भया कोई दूसरी बेटी निर्भया ना बने, इसके बारे में क्या एक संदेश देना चाहेंगे? जी सर, ये क्या है कि हर साल ऐसे दुर्घटनाएं हम लोग को सुनते हैं, बहुत कष्ट में आते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल होता है, बट इसके लिए कुछ विशेष डिसीजन नहीं लिए जा पाते हैं। जैसा कि अभी हमने सुना कि इसमें फांसी की सजा मिलेगी ऐसे लोगों को, तो बहुत अच्छा निर्णय है। उसी को अवेयर करने के लिए, बच्चों को उस चीज को महसूस कराने के लिए कि उनके अंदर वो फीलिंग है, अवेयरनेस है, हम सभी लोग एक दूसरे का साथ दे सके समय पर, इसलिए नव मेस्टल ने इस कार्यक्रम को कराया। ठीक है। मिर्जापुर के थाना लालगंज क्षेत्र के खजूरी ग्राम में शक्ति कोचिंग सेंटर के द्वारा बहुत से स्कूलों के बच्चों का कॉम्पिटिशन रखा गया, जिसमें बहुत से स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे श्रीकांत ने राजकुमार जी के द्वारा साइकिल प्राप्त किया। सभी विजेता बच्चों के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। प्रति बच्चे जागरूक रहें। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि इस साल लगभग कितने लोग फाइटर में मतलब फर्स्ट आए हैं? 1 से 10 रैंक तक लिया जाता है, 10 बच्चों को पुरस्कार वितरित किया गया है। सर, जानकारी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। CMN न्यूज की तरफ से मैं ओम प्रकाश पटेल, ब्यूरो चीफ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से चलकर आज इस लालगंज खजूरी ग्राम में आया हूं और पूछना चाहता हूं कि सर जी, जो आज प्रोग्राम रखा है 1 जनवरी को, इसका क्या लक्ष्य है? 1 जनवरी को ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हों और बच्चों को, जो बच्चे एग्जाम में फाइट किए हैं 1 से 10 रैंक तक, उनको पुरस्कार वितरित किया गया है कि बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हों और उत्साहित रहें, यही इसका उद्देश्य है। अच्छा, तो ये आज इस साल पहली वर्ष हो रहा है या आने वाले समय में फिर होने की संभावना है? नहीं, ये प्रोग्राम हर साल 1 जनवरी को होने। मुरादाबाद के रामपुर दोहराए पर चंद महीने पहले खुला समाज हेल्थ केयर अस्पताल नवजात बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि जहां मुरादाबाद सिटी के अंदर डॉक्टर मोटी फीस लेकर बच्चों का इलाज करते थे, तो वहीं समाज हेल्थ केयर उन सभी लोगों के बच्चों के लिए मुफ्त और सस्ती दवाइयां देकर फ्री में इलाज कर रहा है। जिस तरह समाज में छोटी से छोटी बीमारी भी बड़ी गंभीर बीमारी बन जाती है अगर उसे सही समय पर इलाज ना मिले, और जो महंगे डॉक्टर हैं जिनकी महंगी महंगी फीस है, गरीब आदमी उन महंगी फीसों को नहीं दे पाता है। एक ऐसी तंजीम है जो समाज हेल्थ केयर के रूप में सामने मुरादाबाद जनपद में आई है, जिन्होंने लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य के साथ दवाइयाँ भी मुहैया कराने का काम शुरू किया है, और आज उन्होंने बड़े पैमाने पर इसकी जो प्रचार प्रसार में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ पे दवाई लेने भी आते हैं तो उनसे फीस तक नहीं ली जाती और उन्हें मुनासिब दामों में जो बाहर की दवाइयाँ हैं वो भी मुहैया करा दी जाती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ केयर के डॉक्टर अली साहब, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से ये तंजीम काम कर रही है और आगे किस तरह का उनका प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब बताइए, किस तरह से तंजीम काम करती है? देखिए, हमारे यहाँ गरीबों को जो है सही उसमें और कम मतलब रियायती दरों में ही यहाँ पे जो है इलाज दिया जाता है, और बच्चों का, बड़ों का, सभी तरह का इलाज है। 24 घंटे सुविधा भी उपलब्ध है और किसी भी तरह के जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उनकी मशीनों की रखने की भी सुविधा है, सांस की मशीन की भी सुविधा है, बड़ों को ICU में रखने की भी सुविधा है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो बड़े बच्चों के स्पेशलिस्ट भी हैं और बड़ों के जो MD मेडिसिन डॉक्टर हैं वो भी आते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ये बताया, जिस तरह से बाहर जो हॉस्पिटलाइज छोटे बच्चे होते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे यहाँ आप एडमिट करते हैं, उनको किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने स्तर से देते हैं और किस तरह की उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं कि जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके? क्या क्या ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपका उद्देश्य क्या है समाज के लिए, क्या कहेंगे इसके लिए आप? हमारा उद्देश्य यही है, जिन लोगों को जो है इलाज नहीं मिल पाता है, जो पैसे के उससे और बड़े बड़े डॉक्टर को हिसाब से जैसे पैसे उनके पास नहीं होते हैं, फीस देने तक के भी पैसे नहीं होते हैं और उनका इलाज नहीं मिल पाता और वो सही समय पे इलाज न मिलने की वजह से उनको जो है नुकसान उठाना पड़ता है,
तो उस चीज़ के लिए तो ये थे हमारे साथ समाज हेल्थ केयर के डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर अगर कोई भी गरीब क्षेत्र में है और बिना इलाज के रह रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हमारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, उस पीड़ित का इलाज कराया जाए, ना कि पैसे पे इन लोगों का फोकस है। ये समाज के लिए एक अच्छी बात है और अच्छी पहल है कि कुछ इस तरह के डॉक्टर हैं जो सामने आ रहे हैं समाज के लिए, कि जो कुछ समाज में करना चाहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन साहिद हुसैन के साथ नसीम खान, सीएमएन न्यूज़, मुरादाबाद। जिला राजगढ़ के पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा एक ओर तो अपराध और अपराधियों के लिए सख्त रवैया रखते हैं, वहीं दूसरी ओर जिला पुलिस अधीक्षक जन सामान्य के प्रति मानवीय संवेदना भी परिपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि राजगढ़ पुलिस के एक अभिनव पहल कर वाहन चालकों की जान सुरक्षा के लिए हेलमेट वितरित किए हैं और गुम हुए मोबाइल लौटाए हैं, जिसे आवेदकों के चेहरों पर खुशी आई है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोहली में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला को गंभीर चोट आ गई। वहीं आपको बता दें कि लड़की के पिता ने बताया कि उन्हें अपनी लड़की आशा की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व दातागंज कोतवाली के ग्राम कोला में उमेश के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी, जबकि कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद उमेश दारू पीकर मारपीट करने लगा। मायके वालों ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उसने 5 किलो के बाट कर रखे, उसके पैर भी काट दिए और हाथ भी काट दिया, हाँ एक हाथ तोड़ दो हुआ और उसको भी पीटा, हर बच्चे को छोटा डाले। कल लिवाने गया था, आज दिन लिवाने गया था, ये कल आज दिन लड़के को मारता पीटता उसके पति ने। हाँ, पति ने किया था। कितने दिन पहले शादी हुई है? 3 साल पहले। 3 साल पहले ऐसे पहले भी झगड़े होते रहे? एक बार और झगड़ा हुआ था, घर पे ले आए थे लड़की, एक साल घर पर आई थी, लगा के ने फिर अलग लगा लिए। इतना अंदर को के कुटरी में बहुत डंडे पे पीट है था और वो फरसे से पैर काट दिए, 5 किले के बाद के रखे। हम बचा रहे थे, हमारे पैर में ये डंडे थे।